मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूबी इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान को CDS की जिम्मेदारी मिली है। अनिल चौहान को आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में महारत हासिल है। उनके बारामूला समेत जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर तैनाती रही है। नए CDS चौहान जनरल बिपिन रावत की तरह 11वीं गोरखा राइफल से है। इसके साथ ही ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन है अनिल चौहान। देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम अनुपमा चौहान है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम प्रज्ञा चौहान है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खंडवासला और भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को 1981 में 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने DGMO के रूप में कार्य किया है। बतौर DGMO वह ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी थे, जिसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने दोनों देशों की सीमाओं के पास उग्रवादियों के विरोध समन्वित अभियान चलाया था। ये पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेना की बात करें तो वह पूर्वी सेना के कमांडर थे। चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी काम किया था। 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद भी वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में अपना योगदान दे रहे थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय में कार्यरत थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उनके घनिष्ठ संबंध है। भारत पाकिस्तान पर सीमा तनाव बढ़ने के बाद बालकोट एयर स्ट्राइक की योजना बनाने में भी वे शामिल थे। सेना में उनकी वशिष्ठ और शानदार सेवा के लिए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे अवार्ड मिल चुके हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में हुए मौत के करीब 9 महीने बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की इस पद पर नियुक्ति की गई है। 61 साल के चीन विशेषज्ञ चौहान अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।